विदिशा एसपी दीपक शुक्ला के निर्देश पर एसपी कार्यालय से गठित की गई विशेष टीम में कोतवाली थाना क्षेत्र में सावरकर बाल विहार के पास और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर चल रहे जुए सट्टे कारोबार पर कड़ी कार्यवाही की है। दोनों स्थानों से 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 42,000 रुपए भी जब्त किए हैं। एसपी दीपक शुक्ला ने कार्यवाही की पुष्टि करते हुए सभी आरोपियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दोनों थाना प्रभारियों को दिए हैं। साथ ही इस प्रकार की कार्यवाही सतत रूप से जारी रखने के संबंध में भी उन्हें कहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कई सालों से कोतवाली के नाक के नीचे सट्टे का कारोबार संचालित है, लेकिन व्यवस्थित रूप से बंद नहीं हो पाया। पुलिस कार्यवाही तो हर बार करती है, लेकिन सिर्फ कागजों से ही सिमट कर रह जाती है। सटोरे किसी न किसी व्यापार या दुकान की आड़ में सट्टे का बड़ा कारोबार करते हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। देखिए, हमको पिछले कुछ समय से सूचनाएं मिल रही थी अवैध गतिविधियों की, जुए सट्टे संचालन की। इसको लेकर आज हमने एक विशेष टीम रवाना की थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से, और इस टीम ने हमारे थाना कोतवाली सिविल लाइन दोनों क्षेत्रों में प्रॉपर रेड करी है। इसमें लगभग हमने 25 लोग जो कि जुआ सट्टा खेलते हुए पकड़ाए हैं उनको गिरफ्त में लिया है, और लगभग 42,000 रुपये इसमें दोनों प्रकरणों में नकदी बरामद हुई है। दोनों ही प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई आगे की जा रही है अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।